क्या किसी बच्चे को बड़ा होने पर अपना धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए बिना किसी प्रकार के हेरफेर, प्रशिक्षण या शिक्षा के? एक छोटा बच्चा जिसकी समझ अभी विकसित हो रही हो, वह कैसे निर्णय ले सकता है कि उसे किस धर्म का चयन करना है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। हम वोट करने की उम्र 18 साल रखते हैं, लेकिन धर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई जैन परिवार में पैदा हो गया वो जैन हो जाता है, कोई क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो जाता है तो वो क्रिश्चियन हो जाता है। क्या ये सच में जैन हो पाएगा? क्या ये सच में क्रिश्चियन हो पाएगा? क्या ये सच में अपने धर्म को जी पाएगा? जब धर्म आपका खुद का निर्णय होता है, तब यह एक प्रतिबद्धता बन जाती है, एक संलग्नता बन जाती है। तब तुम अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हो, तब वहाँ आनंद है, प्रेम है, फिर तो यह एक प्रेम संबंध बन जाता है। बात यह है कि धर्म अगर मुफ्त मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन अगर तुमने उसको कमाया है तो उसमें एक सौंदर्य है। काश हम बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने दें, उन्हें अपने लिए खोजने की स्वतंत्रता दें। जब वे विकसित हो जाएं और खुद के लिए निर्णय लेने के लिए योग्य हो जाएं, तब उन्हें अपने लिए धर्म चुनने का अधिकार दें, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। लगता तो असंभव है, हाँ, लेकिन समझ आ जाए तो कुछ के लिए ये व्यवहारिक हो जाता है। ये उनके लिए गहरी प्रतिबद्धता और संलग्नता का सूत्रपात करेगा, जो उनके जीवन को अधिक सार्थक और प्रेमपूर्ण बना देगा। ये उनके और उनके चुने हुए पथ के बीच एक प्रेम संबंध बनाएगा। प्रणाम।